कैसे हो दोस्तों? आपका भाई आज फिर से हाजिर है दारू पानी। गला है थोड़ा खराब, माफ करना अगर निकल गया मुंह से कोई करारा जवाब। चलिए चूतिया पासी बकचोदी के साथ आज की महफिल शुरू करते हैं, क्योंकि आज की महफिल होने वाली है बहुत नहीं कम नहीं स्पेशल, मतलब नॉर्मल। चलिए बालों पे फेरता हूँ हाथ, टट्टों को खुजलाता हूँ, करते हैं महफिल शुरू। तो हमारे पास है आज पनीर, जिसको लोग बोलते हैं चीज़, और है साथ में गिलास बर्फ। इसमें डाला है कोका कोला, बार टाइप कोका कोला वहाँ पे ऐसे मिलता है ना। हाँ भाई, मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे ऐसे मिलता है। अब अपनी बकचोदी मत करना कि हमारे यहाँ ऐसे मिलता है, कभी बाहर में गया भी है या नहीं। तो एक बार मैं गया था तो वहाँ ऐसे मिला था। अभी तो आपके भाई का पैर ठीक थोड़ा सा हो चुका है, बट चलो छोड़ो उसको। अब मुद्दे की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, टट्टे खुजलाते हुए। कुरकुरे भी है अगर वो चखना फिनिश हो गया, और ठंडा ठंडा पानी है। सुहावनी रात है, लाइट्स चल रही हैं। उसके बाद हम करते हैं इसका ओवरव्यू, क्योंकि आज है आरसी। इससे मैं जितना दूर रहूं उतना ही मेरी लाइफ के लिए बेटर है आरसी से, बाकी तो ठीक है। बट अगर आप दारू पीते हो, मेरी महफिल देख रहे हो, फिर देखो, अगर आप नहीं दारू पीते हो, मतलब समझ गए ना आप, मतलब 18 ईयर से कम हो, तो आप मत देखना। मेरी तरफ से यही मेरा संदेश है, मैं दारू प्रमोट नहीं करता। आप मज़े से वीडियो देखते हो तो इंजॉयमेंट के लिए देखो, जो पीते हैं मेरे को पता है उनके लिए है ये वीडियो, और भी हमारे बंदे जुड़ेंगे साथ में। चलिए सील करता हूँ, ओपन आदि कर लिए। चलो पहले ओवरव्यू दे दूँ। इस वक्त मैं एकदम मतलब सोफी हूँ, शुरू से आपको रिव्यू दूंगा इसका। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पर भी यही लिखा है, मेरा भी यही कहना है। अगर आप दारू नहीं पीते, मतलब सोच रहे हो कि दारू पीना शुरू कर दूँ मेरे को देख के, तो आप जा सकते हो यहाँ से। बट अगर आप डेली पीते हो या महफिल लगाते हो कभी कभी, फिर भी रिव्यू देखते हो, तो आपके लिए ये स्वर्ग है चैनल। आरसी फॉर सेल इन पंजाब ओनली। रेट वगैरह बताता हूँ, मेरे जन्म से बहुत चिर पहले की है। आरसी रॉयल चैलेंज गोल्ड विस्की 180 ml। आई कहाँ से है जे? आई है ये बेंगलुरु से ही, रजिस्टर ऑफिस बेंगलुरु ही है। हाँ, बॉटल्ड बाय अमृतसर पंजाब। EDP रेंज बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, अब मुद्दे की बात करते हैं। MRP है 133। आपको पता है हम शेख हैं पंजाब में, तो हमसे रेट लेते हैं 2 गुना, थोड़ा सा कम। 210 रुपये का आया है ये RC का क्वार्टर। मेरे को पता है बकचोदी बहुत करता हूँ, बट मेरे यार, मेरे मित्र मेरी वीडियो देखते हैं, मज़े लेते हैं साथ में। चलिए करते हैं अब महफिल अपनी शुरू, ठीक है? करते हैं फिर, चलो फिर करते हैं ओपन। आपके यहाँ कितने के ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर मिलती है 210 की। ये मत समझना भाइयों नशे में हूँ, नशा आज तक अभी तक तो मैंने नहीं किया, मतलब थोड़ी मेरी जीभ पर शाला भी है और पाँव भी दुख रहे हैं। हमारे यहाँ बूंदी बोलते हैं इसको, पीली वाली, वो लड़ी है दोनों पैरों पर। चलो अब महफिल शुरू करते हैं। चलो आज इसकी बॉटल की रेटिंग करते हैं। बॉटल की रेटिंग मैं इसको देता हूँ 10 में से 10 रेटिंग। बॉटल मेरे को RC की सच में बहुत अच्छी लगती है, बट इसकी जो स्मेल है ना, मैं जो आज तक नहीं अच्छी लगी, बट मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शुरू करूँगा, जैसे मैं अनजान हूँ ऐसा रिव्यू करूंगा। यह है इसका ठोथला ढक्कन। पहले हे भैरव बाबा,
अच्छे से रिव्यू हो जाए। ले लो स्मेल। आह, हम पहले स्मेल नहीं लेंगे दोस्तों, पहले अपना एक हल्का पैक बनाएंगे, उसमें भैरव बाबा का प्रसाद निकालेंगे। तो आपको पता है आपका भाई पहला पैक स्ट्रॉन्ग पीता है, क्योंकि पहला पैक स्ट्रॉन्ग पीना चाहिए, क्या पता उसके बाद जिंदगी रहे या ना रहे। जय भैरव बाबा की। हे भैरव बाबा, ढिंचक ढिंचक। सच बताऊं तो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, कुछ लोग होंगे जिनको आरसी पसंद भी है बट गुस्सा करेंगे भाई। इसकी स्मेल को 10 में से 0 रेटिंग दूंगा मैं, इसकी स्मेल को, आरसी की को। क्या बताऊं भाई, जो आरसी एक ऐसी इकलौती विस्की है जो मेरे को आज तक चंगी नहीं लगी स्मेल में। आपको अभी तक स्मेल की रेटिंग दूंगा, नेक्स्ट स्लोली स्लोली बताता जाऊंगा। स्मेल में नहीं अच्छी लगी, क्या पता जे रिव्यू अच्छा हो इसका, दारू का नशा अच्छा हो। ये मेरे को पी को 3 साल हो गए हैं उस वक्त की मैंने छोड़ी थी। तो अभी करते हैं इसका रिव्यू सव्यू सब कुछ। स्मेल देख ली है, बर्फ डालता हूँ बीच। जय भैरव बाबा की। तो पानी भी यही डाल देते हैं, साफ सुथरा पानी है। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, पुराने हो तो लाइक करो। आपका भाई बहुत ही अब मेहनत कर रहा है, सच बताऊं तो चोट भी लगी हुई थी पैरों पे, चोटी मैं बोलूँगा उसको, जो दो बूढ़िया लड़की थी, एक इधर पैर पे एक इधर। तो क्या बताऊं, फिर भी मैं ले आया। पहले मोमोस वाली वीडियो तो आपने देख ली थी, मैंने सोचा नहीं सैटरडे नाइट है वो भी शराबियों की, सूखी नक जाए। नो, आज आपका भाई फुल ऑन मस्ती में है, पता नहीं क्यों। ऐसे ही भगवान सभी मेरे भाइयों को खुश रखे, ठीक है, मेरे को भी खुश रखे। खुश तो आपकी वजह से ही हूँ, थोड़ा सा प्यार दिखा रहे हो आप, चुम्मा चाटी वाला नहीं स्पोर्ट वाला। तो दोस्तों क्यों ना एक रोस्टिंग के साथ, मैं सोच रहा था चैनल बनाया जाए दारू के साथ, रोस्टिंग वाला चैनल अभी, बट सोच रहा हूँ कुछ ऐसा नहीं है अभी तक यूट्यूब पे, क्यों ना वो किया जाए। कोक की सब फट गई है गैस। हे भैरव बाबा, अब पीने लगे हैं इसका पहला पैक, बचा लेना आरसी, बहुत गंदी है लगती मेरे को। चलिए पीते हैं भाइयों। बहन चोत आरसी फिर से, गांड फाट बिस्की है सच में यार। सच बताऊं गांड फट जाएगी आज से, आरसी से, नशे के मामले में नहीं स्वाद के मामले में। अब देता हूँ टेस्ट की रेटिंग। हे भैरव बाबा, ये कैसे बनते हैं जो आरसी वाले हैं, ये ब्रांड कौन सा है, ब्रांड ने कंपनी किनकी है ये,
शॉवलेस बहुत गंदी है बहन चोद। ऑनेस्ट रिव्यू तो ऐसे ही दूंगा, अब डिसलाइक मत कर देना आरसी दवर्स मेरी तरफ से। पहले बहुत अच्छी लगती होती थी जब नया नया पीते थे, अब तो बहन चोद टेस्ट का जो रिव्यू दूंगा आपको फिर से आप मेरे को बताएं डिसलाइक दोगे। बट भाई ऑनेस्ट रिव्यू है तो मैं सच बोलूँगा, रेटिंग सच दूंगा चाहे कम हो जाए ज़्यादा हो, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आप डिसलाइक करो। बट फ़र्क तो पड़ेगा, बट क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ फिर तो आपको लाइक करना ही चाहिए। ऑनेस्ट रिव्यू ऐसे है कि स्मेल में थे 10 में से 0, और टेस्ट में है बोलने में शर्म आ रही है क्योंकि बंदे होंगे जो आज आरसी पीने वाले होंगे और आरसी पी होगी जिन्होंने, वो बंदे देख रहे होंगे उनको बहुत बुरा लगेगा। बट कुछ लोग कमेंट भी करेंगे चूतिए तेरे को क्या पता, बट मैं अपने हिसाब से आपको रिव्यू दूँ तो टेस्ट में है 10 में से 1 नंबर बर्फ़ के साथ, ठीक है। अगर बर्फ़ के बिना होता तो 0 दे देता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई को स्पॉन्सर नहीं मिला आरसी से ऐसे, भाई आज तक किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ना ही मैं लेता हूँ, ना ही कोई देता है स्पर्शी का। तो ऑनेस्ट रिव्यू यही है। तो आप भी सोच रहे हो कि आरसी की रिव्यू इतनी लेट मैंने क्यों की, मोस्ट हेटेड विस्की है ये, एंटीक्विटी है, उसको तो सुबह बंदा, वो भी मेरे को हेटेड लगे बट टेस्ट ठीक है। उसका सुबह जो है सिर पकड़ना जो बहुत बुरा लगता है एंटीक्विटी का, वो बंदा तो चलो नींबू से कर लेता ठीक, बट मेरा मानना यह है कोई बिगनर हो ना इसके 2 पैक जल्दी से जल्दी लगा ले, उसको वॉमिटिंग पक्का होगी। 3 पैक लगा लो, 3 पैक 15 मिनट के अंदर लगा ले, या 20 मिनट के अंदर भी 3 पैक वो लगा ले मोटे मोटे, उसको वॉमिटिंग पक्का होगी। लेजेंड्स के लिए भी मैं कुछ कह नहीं सकता, आज हाथ खड़े हैं मेरे। लेजेंड्स को स्मेल के मामले में मैं लेजेंड को यही बोलूँगा, लेजेंड्स बंदे हैं जो हमारे, उनको भी स्मेल के मामले में 0 रेटिंग देनी पड़ेगी इसको। मैं किसी की वीडियो देखता नहीं, अपना रिव्यू देता हूँ, पनीर खाता हूँ, बस सो जाता हूँ। अरे क्या बच्चों वाली हरकतें करने लगा आज मैं, तो आज मैं हैप्पी भी हूँ और दुखी भी हूँ, दोनों पैर सूज रखे हैं। तो ये भी हमको आज दारू किसी बंदे ने सजेस्ट की थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, अगर बूंदी जो हमारे यहाँ बूंदी बोलती है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ येलो सौर बोलते हैं, पता नहीं क्या मक्खी भी पीली वाली, तो उसने काटा है आपके भाई को। कुछ लोगों ने बोला है कि दारू का 1-2 पैक लगाओ ठीक हो जाएगा, जहर निकल जाएगा, जहर ही जहर को मारेगा। बट आरसी के साथ आप हैवी चखना ट्राई कर सकते हो, क्या पता थोड़ा सा कवर कर ले आपके लीवर को। चलिए मैं दूसरे पैक की तैयारी करता हूँ, रिव्यू देना है आपको फिर। वैसे मैं आज तक कसम, मतलब कसम तो नहीं खाई थी, मतलब मन ही मन में सोचा था 3 साल पहले, 3 नहीं 2.5 साल लगा लो या 2 साल लगा लो, सोचा था कि आज के बाद आरसी साली फ्री में भी मिले ना तो भी नहीं उठानी है। तो आज ठेके पे मैंने सोचा कि सभी का रिव्यू हुआ है, क्यों ना आज सैटरडे नाइट भी सेलिब्रेट की जाए
और अपने जो बंदे हैं वैली बंदे हैं वीडियो देखते हैं, क्यों ना उनके साथ आज आरसी की महफिल शेयर की जाए। क्योंकि भाई मेरे को एक मेल आई थी, मैं शेयर नहीं करूँगा। उसने बोला था, वे भोसड़ी के ऐसे बोला था, तू क्या बंदा है, सभी विस्की वोडका के एक जैसे रिव्यू दे देता है। तो भाई जिसका रिव्यू लो देना है उसको दिया है, लो आके देख ले। एक दारू वाले चैनलों पे गाली बहुत बकते हैं लोग, हम तो आज तक गाली निकाली ही नहीं है। चलिए दूसरा लगाते हैं भैरव बाबा के नाम पे, अच्छा रहे ये, भगवान करे। आइस डालते हैं थोड़ी सी, आइस ज़्यादा मैं इसलिए आज ले आया, आपको पता है जब आपके बाइक को विस्की कोई कड़वी लगती है तो। तो आपका भाई ज़्यादा से ज़्यादा आइस यूज़ करता है। शायद थोड़ी इतनी खाइश बची है कि मैं तीसरा पैक सिर्फ लगा सकूं, बट जब तक मेरी बस हो जाएगी शायद। आरसी मैं सीधा बताऊं अच्छी नहीं लगती, बट मैं ये बोल के मन नहीं ख़राब करना चाहता अपने मित्रों का जो व्यूअर्स हैं देख रहे हैं। तो उन मेरे दोस्तों को सलाम है जो मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी को सपोर्ट नहीं देता। सीधी बात बताऊं, सब सोचते हैं मैं इससे ऊपर हूँ, वो मेरे से ऊपर है। हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, नूब से प्रो। GTA 5 की वीडियोस डालेंगे वहाँ पे, कुछ बंदे जिनको अच्छी लगती है गेमिंग के रिलेटेड, गेमिंग बंदे हैं मेरे से अब इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो दिखाओ अपना प्यार उस पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसकी डिग्री कितनी है बेंचो? डिग्री ज़्यादा लग रही है मेरे को, 75 ही है। बट अगर भाई ये आरसी इतनी कड़वी क्यों है, प्लीज़ बताओ मेरे को, प्लीज़ बताओ अगर किसी को पता है आरसी इतनी कड़वी क्यों है। इंश्योरेंस क्यों नहीं कड़वी है, लाइसेंस क्यों नहीं कड़वा है, पोल्यूशन क्यों नहीं कड़वा है, आरसी ही कितनी कड़वी क्यों है। अब जूतियाँ मच्छर, तो क्या करने वाले हो दोस्तों? इस वीडियो के साथ लाइक करोगे या शेयर करोगे? तो दोस्तों मेरे को ये बात बताओ कि कौन विश्वास करता है कि रिलीजियंस में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, बताओ। मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज हैं वैसे हमारी भी कंट्री बने, सारा कुछ इक्वल। दारू सस्ती पीने वाले को भी इक्वल राइट्स, महंगी पीने वाले को भी इक्वल राइट्स। तो चलिए दूसरा पैग लगाते हैं, बट पहले पैक पीकर मेरे हाथ खड़े हो गए सच बताऊं तो भाइयों, दूसरा पियूंगा अभी ही।
तो चलिए लगाते हैं दूसरा पैक। एक मिनट के लिए बिजी हो गया था, सच बताऊं तो इसलिए बिजी हो गया था, जो हमारे हेडफोन्स है, बीच ही में पता नहीं क्या ख्याल आया कि उसकी जो उंजले हैं उसको निकालने लग गया था। चलिए लगाते हैं दूसरा पैक मित्रों, शित्रों शित्रों। आरसी इज ए वीक पॉइंट ऑफ पता नहीं मी। चलिए पीते हैं दोस्तों, पीनी तो पड़ेगी चाहे आए वॉमिटिंग, बट भैरव बाबा की कसम वॉमिटिंग थोड़ी कम ही है आजकल। बट इतने नियम करते, सीधी बात बताऊं, वॉमिटिंग भगवान की कृपा से, भैरव बाबा की कृपा से 3-4 साल पहले की थी। चलो छोड़ो वो बातें, क्यों आपकी महफिल का गंद निकाल रहा हूँ मैं। चलिए लगाते हैं दूसरा पैक, क्योंकि एक मेरा यार फ्रेंड है, उसको रॉयल चैलेंज बहुत अच्छी लगती है, किसी टाइम उसका रिव्यू दिलाऊंगा आपको, उसके साथ मैं भी लगाऊंगा, उसका रिव्यू दिखलाऊंगा, उसको चंगी लगती है। हाँ बहन, जो लंड को चोट देनी अच्छी लगेगी, ओ सॉरी, दिल को चोट देनी अच्छी लगेगी। चलिए महफिल लंबी तो होगी, सैटरडे की सैटरडे अब लगाता हूँ, सच बताऊँ बिजी हो गया हूँ थोड़ा, पैसे भी नहीं है सच बताऊँ तो, अभी इतने सारे गेमिंग पीसी पे लगा दिए, मोनेटाइजेशन ऑन होगी तो गिव वे भी तभी कर पाऊँगा मैं, आप सपोर्ट दिखाओ। कुछ लोग बोलेंगे भाई 22 मिनट पे तेरा दूसरा पैक है। जय भैरव बाबा की। भैरव बाबा और कोक बाबा की जय, जय भैरव बाबा की, जय कोक बाबा की। पता नहीं दोस्तों, दारू कोई भी पी लूँ, उसके साथ मीठा खाना मेरे को सच में बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कि दारू ज़्यादा चढ़ती है, बट अभी दूसरे भाग जल्दी फिनिश करता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम कुछ मीठा भी रखेंगे साथ में, जैसे टेक्निकल शराबी ट्रैवलिंग बॉटल जो बन गया अब, वो डेयरी मिल्क रखते हैं साथ में, आज तक उन्होंने बताया तो नहीं है, हमने वीडियो में देख लिया था। हाँ। तो कृपया दोस्तों अपने अपने घर पे एक एक ऐसा कोना ढूंढिए, या फिर अपनी थान ढूंढिए, या आप बैकर महफिल लगाएं, यानी कि आपका कमरा, बट कमरे में अच्छा सा माहौल बनाओ, सनी लियोनी की फोटो, ओ सॉरी, सनी देओल की फोटो लगाओ, अच्छा सा। हाँ हमारे भाई जो वीडियो देख रहे हैं ऐसे बंदे थोड़ी ना है, पता कितने अच्छे बंदे हैं। जो पहले जब मोनेटाइजेशन हुई ऑन, एसी लगवाऊंगा, एक नंबर पे पंखा चलाकर बैठना पड़ रहा है वीडियो के चक्कर में, बट मेहनत इज ए की ऑफ सक्सेस, और सक्सेस ही सक्सेस। तो दोस्तों पास ही में अगर आपने करने हो अपने टट्टे ठंडे, बर्फ का क्या काम, यही है दमाल है बनानी कुछ,
ये है हमारा नवरत्न तेल, इसका रिव्यू भी करेंगे कभी लौड़े पे लगा के। अभी इस पैक के बाद नशे का रिव्यू दूंगा। अरे यार सी, तेरे को किसने बनाया बहनचोद, किसने भेजा, किसने बहनचोद, मेरी जान लेगी क्या तू? आरसी है, आरसी स्कूटरी पे चल जाओ, मोटरसाइकिल पे चल जाओ, पुलिस वाला भी बोलता है आरसी आरसी। अरे बहन चो, तो इंश्योरेंस, पोल्यूशन, टट्टे फुट्टे, लाइसेंस, इनकी भी कदर करो यार। यहाँ देख लो आरसी। अब भाई आपको कौन सी दारू पसंद है? मेरे को भाई आरसी। कौन सी पसंद है? रॉयल चैलेंज। ये चूतिया पे है, बट सच बताऊँ मेरी गांठ फाड़ दी आरसी ने। अभी तक जो महफिल देख रहा है वो पता नहीं कहाँ से आया होगा, एलियन शहजादा। क्योंकि कुछ लोग देखते हैं कि इसकी वीडियो लंबी है, करो डिसलाइक, बट अभी स्टोरेज बड़ी वाला फ़ोन लिया है तो बड़ी बड़ी बातें तो होगी ना। चलिए दूसरा पैक गर्म करते हैं। अगर कोक ना हो तो गांड फट जाए। बट आज आपके सामने रिव्यू कर लिया है भाई, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आरसी को हाल लगाने वाला। अभी तक तो भाई चौथ महीने क्वार्टर खाली कर देना था। पनीर खाओ, टट्टे मोटे कर लाओ। क्या गर्मी बन गई है। भाई घंटे की महफिल चल गई तो वैन तो रिकॉर्ड टूट जाएंगे, मैं इतनी लंबी महफिल नहीं चाहता। हाँ 38-39 मिनट की जा सकती है। गर्मी इतनी है, वेंचर टट्टे छूट रहे हैं। भाई सच बताऊं तो आरसी से कब नफरत हुई थी, हाफ पी लिया था एक बार आरसी का, पता नहीं कैसे, उस वक्त क्यों चंगी लगती थी जो हाथ में आई पी ली, मतलब फ्री ही नहीं अपने ही पैसों के लिए। पहले हाफ पिया, फिर उसके बाद मैंने आरसी का और हाफ मंगाया, नहीं, सॉरी, क्वार्टर लिया, फिर उसके बाद फिर से क्वार्टर मंगाया, ऐसे करके पिया। हाँ वॉमिटिंग की थी उस वक्त, याद है। आरसी से उस वक्त से नफरत है, उस बात घर पे नहीं बाड़ी मैंने आरसी, बट अभी भी मेरे मन में चल जो रहा है वो आपको बता दूं। प्लीज आरसी पे पैसे मत वेस्ट करना। अगर दारू पानी के सहारे पे चलते हो, मतलब दारू पानी के सजेशन लेते हो, तो आरसी मत पाए करना, बस मैं यही बोल सकता हूँ। रेटिंग आप समझ ही सकते हो क्या देना चाहता हूँ मैं आरसी मत पाए करना पे। मैंने नॉर्मल पानी से भी बिस्किस पी हुई है, आपको भी पता है, बट आरसी देख लो ठंडे पानी के साथ भी पी चुका हूँ। अब
तो अभी क्या हाल है आपके भाई का, आप समझ सकते हो। अभी जो है मेरा सिर पकड़ रही है, ये थोड़ा थोड़ा सिर 1% 100 में से पेन करने लगा है। तो क्या चीज़ बनाई है ये, पता नहीं क्यों लोगों को पसंद है, पता नहीं क्यों ये बनी है। सच बताऊं तो बिगनर्स आप इसको देखना भी मत। सच बताऊं, आपको फ्री में भी कोई दे RC, कोई बात नहीं, अपनी इज्जत रखो, वॉमिटिंग नहीं करनी, RC से रहना है दूर, क्योंकि इंश्योरेंस पोल्यूशन लाइसेंस है अपने पास भाई। सच तो आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी, बट आई हेट RC। नशे के मामले में थोड़ी ठीक लगी मेरे को, बट उसमें भी 10 में से 6-7 ही दूंगा नशे में। अब मैं आपको क्या बताऊं, भाई डिसलाइक करना है तो कर देना, मैं सच में रेटिंग देने लगा हूँ अब। टेस्ट 10 में से 1, स्मेल 0 10 में से, नशा 10 में से 6-5, इतना ही। पता नहीं क्या कर दिया मेरे दिमाग को इसने। RC की आपको सजेशन वाली रेटिंग मैं देता हूँ 10 में से 0। आई हेट RC, बाय बाय। ये हमारा पॉइंट, जब हम करेंगे बाय बाय किसी विस्की को इस पॉइंट से, आई हेट RC। अगर आप करते हो हेट तो मेंशन करना मेरे को दारू पानी पे, यूट्यूब नहीं इंस्टाग्राम पे, नेट से फोटो डाउनलोड करो, जो विस्की आप हेट करते हो उस पे अपने हाथों की ऐसे फोटो लगवाओ और मेरे को सेंड करो। मैं चल आई हेट RC। अब इसका मैं सोचता हूँ क्या करूँ, बट अभी नॉर्मल हूँ, वॉमिटिंग वगैरह भगवान की भैरू की कृपा से नहीं आ रही। चलिए महफिल का एंड करते हैं दोस्तों, बट एक बात याद रखना, मैंने 210 खराब कर लिया, आपने नहीं करने। RC कंपनी को तब तक घाटा पवाना है जब तक ये साली टेस्ट ना सही कर ले। मैं मार इसको देता हूँ, हाँ दारू ठीक है, नशे में भी ठीक है, आजकल चलता है, इतना चढ़ती है, बेस्ट है। कुछ लोगों ने इतनी लगानी होती है, इतनी उनको नशे में बेस्ट है। स्मेल में भी आजकल कोई नहीं चेक करता, सीधी बात बताऊं, स्मेल कौन चेक करता है, सीधा पीते हैं, डालते हैं, चूत मारते हैं, ओ सॉरी, भाग जाते हैं। तो मत बाय करना, टेस्ट में 0 है 1 है बस, 1 0 1 0, बाय बाय। अगर गर्म पानी के साथ पी रहे हो तो वॉमिटिंग करोगे, सच बताऊं तो गर्म पानी से मत पीना, वॉमिटिंग करोगे, बाय। RC आज के बाद मेरे मुंह मत लगना। वो तो मैं भाइयों अब तक जितनी की है आपके सामने, वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। सच बताऊं तो अब लास्ट में मैं RC पीना ही नहीं चाहता था, बाय बाय। अगर कोई RC लग रहा है तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों पसंद है यार आपको ये चूतिया पाय साला साला, ये बहन चूत क्या बना इसमें,
इसकी गांड मारूंगा मैं अनचोद की, अगर जो हाथ में आ गया ना। चलिए महवील कांड करते हैं। आरसी अब मेरी फेवरेट है। ऑल सीजन ऑफिसर्स चॉइस इंपीरियल ब्लू, बस यही। या फिर स्कॉच, स्कॉच नहीं विस्की बोलते हैं हम। विस्की कौन सी, विस्की में यही आएंगी। आर सी कभी जिंदगी में मत आना, आज से तो मेरी एक्स है बहचोत एक्स, ये भोसड़ी की एक्स, हट भोसड़ी की एक्स, भाग जा भोसड़ी की जहाँ से एक्स ये भी। अरे बहचोत इसको तो मैं टट्टों पर न बिठाऊँ, साली हुई एक्स की, हट भोसड़ी भाग यहाँ से। ये बोलना चाहता हूँ मैं इसको, बाय बाय। अगर प्यार दिखाना है तो अब दिखाना, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, पहले भी ऑनेस्ट देता हूँ, इसका ऑनेस्ट दे दिया है मैंने आरसी का। कुछ लोग अब बोलेंगे भाई चूतिए, इसने तेरे को छुपाई छुपने दी होगी, इसने तेरे को खारा नहीं दिया होगा। भाई ये दारू वाला कोई स्पॉन्सर नहीं देता। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भगवान करे जल्दी आए, पैसे आए मेरे पास, फिर करेंगे अपने साथ बातें। अभी कमरे का व्लॉग भी तैयार करना है, रूम टूर, बहुत उस पर भी दिमाग खपला हो रहा है। चलिए बाय बाय।